कक्कू की किचन में आज हम बनाएंगे मोमोज। आइए बनाते हैं। मोमोज बनाने के लिए मैंने एक छोटी पत्ता गोभी ली है और ये दो बड़ी गाजर ली है। इनको मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसको इसमें डाल देंगे। गाजर को भी इसमें डाल देंगे। और इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। कई लोग इसको फ्राई भी करते हैं स्टफिंग के लिए, पर मैं इसे फ्राई नहीं कर रही और इसे ऐसे नमक डाल के रख दूंगी जिससे इसका पानी निकल जाए। जब तक उसका 10 मिनट पानी निकल रहा है, नमक डाला है हमने उसमें सब्जी में, तब तक हम मोमोज का डो लगा लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मैदा ली है। एक चम्मच नमक, दो चम्मच तेल डालेंगे मोयन के लिए, इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक और तेल हमारे मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको डो को तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा ही डालें, नहीं ज्यादा गीला हो जाएगा तो आटा ढंग से नहीं लग पाएगा। और इसे मीडियम ही गूंदना है, ज्यादा टाइट भी नहीं गूंदना। हमारा डो तैयार हो गया है। देखिए बिल्कुल जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही आटा लगाया है मैंने। हल्का सा तेल लगा देंगे। अब 10 मिनट इसे रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब इसको अब पानी निकाल लेंगे हम इसका। इसको प्रेस कर लेंगे अच्छे से ऐसे। देखिए अच्छे से काफी पानी निकल गया है इसका। अब हम इसको इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। अब स्टफिंग तैयार करेंगे हम। उसके लिए मैंने एक प्याज काटा है बिल्कुल बारीक बारीक। ये अदरक का एक टुकड़ा चॉप किया है। एक हरी मिर्च तीखी वाली। और थोड़ा हरा धनिया। इसमें आधी चम्मच नमक डाला है, क्योंकि हमने नमक पहले ही डाल दिया था इसलिए आधी चम्मच ही डाल रही हूं मैं। एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग के लिए आप इसमें शिमला मिर्च और भी कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने तो इसमें प्याज, पत्ता गोभी, गाजर, हरी मिर्च और अदरक डाला है। दस मिनट हो गए हैं, हमारा डो भी तैयार है। अब हम इसके
दो हिस्से कर लेंगे। कई लोग तो छोटे छोटे लोई बना के पूड़ी की जैसे बेलते हैं, पर आप देखिए मैं एक बड़ा ही पूरा बेल लूंगी और फिर गिलास से हम कट कर लेंगे। हल्का सा तेल लगा लेंगे। एक एक बेलने में काफी टाइम लग जाता है, ये बन भी फटाफट जाते हैं। ये हमको ना तो ज्यादा मोटा बेलना है और ना पतला, मीडियम ही, जैसे रोटी की जैसे ही बेलना है, क्योंकि ज्यादा मोटा रखेंगे तो भी फिर वो अच्छे से सिकेंगे नहीं, स्टीम में अच्छे से नहीं बन पाएंगे। अब ये बेल लिया मैंने, अब ये गिलास से ऐसे काट दूंगी मैं इनको। देखिए अब एक साथ हमारे कितने कट गए हैं ये, इसको हम फिर वापस से बना लेंगे। आप अगर थोड़ा साइज बड़ा चाहते हैं तो इसको एक एक बेल लेंगे, थोड़ा बढ़ जाएगा जिससे। बस अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। फिर स्टफिंग भर के फिर ये एक एक प्लेट्स ऐसे डालते जाएंगे। ये देखिए एक पोटली टाइप शेप बन गई है हमारे। आप चाहें तो इसे और भी कई शेप के बना सकते हैं। एक और बताती हूँ मैं आपको, इसको हम, उसको तो गोल गोल प्लेट्स डाल के किया था, इसको हम ऐसे लगा लेंगे, चिपका देंगे आगे से। फिर साइड से दोनों को चिपका देंगे। ये देखिए आप ये भी शेप बना सकते हैं। अभी मैंने मोमोज तैयार कर लिए, इनमें स्टफिंग भर दी, अब इसमें स्टीम करेंगे। आपके पास अगर स्टीमर हो तो आप उसमें कर सकते हैं। मैंने ये कढ़ाई ली है, इसमें करेंगे। ये कढ़ाई ली है, इसमें मैं पानी डाल दूंगी करीब दो गिलास करीब। और इसमें ये स्टैंड रख देंगे। अभी एक प्लेट ली है मैंने जाली वाली, इसको थोड़ा ग्रीस कर लूंगी मैं, तेल लगा दूंगी जिससे ये मोमोज इसके चिपके नहीं। अब इसको यहाँ रख देंगे, वो एक एक करके मोमोज यहाँ रख देंगे। सारे मोमोज रख दिए, अब इसको पैक कर देंगे हम, जिससे स्टीम बाहर नहीं जाए और ये मोमोज अच्छे से पक जाए। करीब 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में। बिल्कुल पैक हो गया, स्टीम बाहर नहीं आ रही है।
10 मिनट हो चुके हैं, अब हम मोमोज को चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल रेडी है ये, देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा, इसका मतलब ये तैयार हो गए।